खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से है। माननीय राहुल गांधी जी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असम में कुत्सित प्रयास करके रोकने के लिए हमारे नेताओं के काफिले पर अपने गुंडों को भेजकर हमला करवाए जाने और उसमें पीसीसी चीफ असम सहित कई नेताओं के चोटिल होने की घटना पर बलरामपुर कांग्रेस द्वारा घोर आपत्ति जताई गई है। और कड़े शब्दों में कांग्रेस जन इस भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हेमंत की निंदा करते हैं। इस अलोक तांत्रिक घटना का विरोध करने के लिए हम बलरामपुर कांग्रेस परिवार आज शाम 6 बजे अंबेडकर तिराहा पर इकट्ठा हुए। तत्पश्चात जिलाध्यक्ष अनुज कुमार सिंह जी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष अनुज कुमार सिंह ने कहा कि ये कार्यक्रम विशेष रूप से दबे कुचले महिलाओं युवाओं की आवाज बनकर माननीय राहुल गांधी जी द्वारा न्याय दिलाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, जिससे डरकर भाजपा के केंद्र और असम की भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री ने रोकने का प्रयास किया, जिससे किसी को न्याय ना मिल सके। लेकिन हम कांग्रेस जन उनके उद्देश्यों को पूरा नहीं होने देंगे और ये न्याय यात्रा पूरी होकर रहेगी। किसी मंदिर में किसी भारतीय को रोकना, गुवाहाटी शहर में जाने से रोकना, ये सरकार के डर को प्रदर्शित करता है। हम कांग्रेस जन अंग्रेजों को सुधार कर भेज दिए तो ये काले अंग्रेज किस खेत की मूली हैं? ये लोग भी सुधर जाएं, नहीं तो हम लोग इनको सुधार देंगे। जिस तरह पिछले 2-3 दिनों से जैसे मीडिया ने मंदिर के लिए माहौल बनाया, ठीक है, लेकिन क्या मोदी जी अकेले मंदिर जाने के लिए इंटाइटल्ड है? विपक्ष के नेता मंदिर नहीं जाएंगे? कल शंकर जी के मंदिर पे जाते समय राहुल गांधी जी को जबरदस्ती रोका गया, उनको जाने नहीं दिया गया। हेमंत बिस्व शर्मा तमाम सारी असम में धमकियां दे रहे हैं। क्या भारत में लोगों से संपर्क करना, सद्भाव के लिए यात्राएं करना अब इस देश में अपराध हो गया है? राहुल गांधी जी अगर इस देश के लोगों को जोड़ने के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए यात्रा कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को क्यों अखर रहा है? हेमंत बिस्व शर्मा उनके रास्ते को बार बार रोक रहे हैं। आज गुवाहाटी में जाने से रोका गया, कल मंदिर में जाने से रोका गया। ऐसी परिस्थितियां देश में अराजकता को बढ़ावा देती है। हम सब इसके खिलाफ आज कैंडल मार्च करके उनको संदेश देना चाहते हैं कि सुधर जाओ या हम सुधार देंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।